ओम शांति। आज हम गंभीरता पर विचार करेंगे। जितना बाह्य मुखता में आना सहज है, उतना अंतर्मुखी गंभीर मूरत बनने का अभ्यास हो, इसके लिए लौकिक प्रवृत्ति व अलौकिक सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में एकांत अर्थात एक के अंत में जाकर गंभीर मूरत बन बाप के किसी भी एक शक्तिशाली गुण व कर्तव्य के अंत में मगन हो जाओ तो सर्व शक्तियों व गुणों का खजाना जमा हो जाएगा। गंभीरता का गुण बहुत आगे बढ़ाता है। यदि किसी ने कुछ अच्छा किया और बोल दिया तो आधा फल खत्म हो गया। जो गंभीर होता है उसका पूरा जमा होता है। कई बच्चे करते बहुत हैं लेकिन करने के साथ साथ उसका वर्णन बहुत करते हैं या करके आपस में खिटपिट कर देते हैं तो पूरा ही खत्म हो जाता है। इसलिए गंभीरता के गुण की धारणा द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। गंभीरता से अपनी मार्क्स इकट्ठी करो। यदि कोई बाह्य मुक्ता में आकर अच्छा वर्णन करता है तो अभिमान दिखाई देता है और यदि कोई किसी का बुरा वर्णन करता है तो उसका अपमान होता है। इसलिए अब हरेक गंभीरता की देवी और गंभीरता का देवता बनो। अभी गंभीरता की बहुत बहुत आवश्यकता है क्योंकि जितना प्रभाव गंभीरता का पड़ता है उतना वाणी का नहीं पड़ता। वास्तविक गंभीरता में रमणीकता समाई हुई है। ऐसा गंभीर नहीं बनना है जो उसमें रमणीकता का नाम निशान भी ना हो। यथार्थ गंभीरता का गुण रमणीकता संपन्न है। जैसे लोगों को भी समझाते हो कि हम आत्मा सिर्फ शांत स्वरूप नहीं है, उस शांत स्वरूप में आनंद प्रेम ज्ञान सभी समाया हुआ है। ऐसे गंभीरता में रमणीकता समाई हुई हो। जैसे ब्रह्मा बाप के चेहरे पर सदा गंभीरता के चिन्ह भी दिखाई देते थे और साथ साथ मुस्कुराहट भी। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूरत, मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो दोनों ही लक्षण आपकी सूरत से भी दिखाई दे। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार बनो। ऐसे भी गंभीर मूरत नहीं बनो जो बिल्कुल न्यारे दिखाई दे। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाले बनो। गंभीरता का अर्थ यह नहीं कि मिलने से दूर रहें। कोई भी बात अति में अच्छी नहीं होती है। कोई बात अति में जाती है तो उसको तूफान कहा जाता है। एक गुण तूफान मिसल हो, दूसरा मर्ज हो तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बैलेंस ठीक रखो। यदि बैलेंस ठीक नहीं होगा तो कभी कहां गिर जाएंगे व हिलते डुलते रहेंगे। किसी के बोल व व्यवहार में ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन प्रमाण व्यवहार व बोल नहीं होता है तो वे कहते हैं कि मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है, बोलने का टोन ही ऐसा है, व कहेंगे मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल व गंभीर है।
जोश नहीं है लेकिन ऑफिशियल रहते हैं। आपको ऐसी गंभीरता नहीं धारण करनी है लेकिन ज्ञान योग संपन्न गंभीरता का गुण हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। जैसे वह नेचुरल अपना कार्य करती रहती है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ऐसे आपका हर कर्म ज्ञान और योग संपन्न नेचुरल हो तो युक्ति युक्त व श्रेष्ठ कर्म स्वतः होंगे। ऐसे गंभीर मूर्त बनो जो कभी ना तो किसी बात में कंफ्यूज दिखाई दो और ना ही मूड ही चेंज करो। सदा हर कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे ब्रह्मा बाप सदा हर्षित और गंभीर दोनों के बैलेंस की एक स्थिति में रहे तो फॉलो फादर। इससे सदा अपने को विजयी अर्थात माया जीत अनुभव करते उड़ते रहेंगे। वेस्ट थॉट्स अर्थात व्यर्थ संकल्प के रूप में भी माया नहीं आएगी। अभी वेस्ट का नाम निशान खत्म करो। जितना अतिक्रम में आते हो, विस्तार में आते हो, रमणीकता में आते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उतने ही न्यारे अर्थात गंभीर मूर्त बनने का अभ्यास हो। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज है, वैसे न्यारा होना भी सहज हो। यह अभ्यास करने से ही गंभीरता की देवी व देवता दिखाई देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति।